अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट इरज़ा खान और मेरे साथ हैं आपका होस्ट मरहूम अहमद बिला। नाज़रीन, एक बहुत ही अहम मुद्दा जिस पर आज हम बात करेंगे, एक बहुत ही अहम मुद्दा जी इस पर हम बात करेंगे। शायर कहता है कि मेरे डब बत्ती बोर थले काली कार है। वाह वाह वाह, मेरे डब बत्ती बोर थले काली कार, यार क्या बात है। हाँ। बहुत खूब। बैठे कार विच मेरे चुड़वे जे यार। आहा हा हा हा। चुड़वे जे। वाह वाह वाह। अब शायर आखिर कहना क्या चाहता है? डब ये होता है जहाँ पे पिस्तौल लगाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि मेरे डब बत्ती बोर पिस्तौल है और मेरे घर के नीचे एक काली कार खड़ी है। आगे आगे मैं एक दफा पूरा एक्सप्लेन करूँ। मेरे डब बत्ती बोर थले काली कार है, मेरे डब बत्ती बोर पिस्तौल है और मेरे घर के नीचे एक काली कार खड़ी है। फिर वो कहता है कि कार विच बैठे मेरे चुड़वे जे यार है। ये जो नीचे काली कार खड़ी है उसके अंदर मेरे बहुत ही सिलेक्टेड चुड़वे जे, मतलब सिलेक्टेड दोस्त बैठे हुए हैं, ये शायर इसमें कहना चाह रहा हूँ। जी मैं बताता हूँ, असल में यहाँ पे शायर ने जो कहने की कोशिश की है वो ये है कि मेरे डब के साथ बत्ती बोर लगा हुआ है और मेरे नीचे इस वक्त काली कार है। एक्सक्यूज मी जी, मेरे डब बत्ती बोर थले काली कार है, यानी कि मैं इस वक्त, वो कहते हैं जितना होता है ना कि मैं जा रहा सा नवे थले होंडा सी, इसका मतलब ये थले नवा होंडा सी, इसका मतलब ये होता है कि बैठा हुआ हूँ उस कार में, बैठा हुआ हूँ। ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया ना। पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, ये फैक्ट है। ये फैक्ट नहीं है जनाब, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू, अग्री टू डिसअग्री। चले बहरहाल आगे चलिए। एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा है, एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप उसे फैक्ट कह के तो सच्चे साबित होने की कोशिश करें। माजरत करता हूँ, आगे चलते हैं। जल्दी मान गए ये तो। खैर आगे वो कहता है कि बंदे खाण नू पेंदे कहे ते जान जा लेंदे के उन्हों आप ही पता लगे, क्योंकि भाई एक जगह पे और शायर ने ऐसे ही फरमाया था कि मेरी दुश्मनी बढ़ गई थी पिस्तौल दा बोर भी बढ़ गया। नहीं आगे आगे मुझे याद आ गया, कहता है कि नहीं है वड खान पेंदे, ये नी नी यानी कि वो लड़की को मुखातिब करके कह रहा है कि ये वड खाते हैं, ये पड़ जाते हैं कुत्तों की तरह, अपने दोस्तों को कह रहा है। ऑब्वियसली आप अपने दोस्तों को कह सकते हैं, जैसे मेरी दोस्त आरजू है वो भी वड खाण पहनती है ना, तो लाइक वो कुत्तों की तरह पड़ जाते हैं। साढ़े को भी अबू बकर है, आपका भी एक ऐसा दोस्त हाँ। है अच्छा, बंदे मंगे जान जान लेंदे कि अगर आप इनसे जान मांगे तो ये जान भी देते। अब इस पे अगर आपका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप यहाँ पे भी मुझे शूट लाना चाहते हैं तो अपना केस पेश करें। देखिए एक पढ़े लिखे आदमी की निशानी ये होती है कि वो सही बात पे सर तस्लीम खम करता है, तो आप किस बात पे हम सर तस्लीम खम करते हैं? अच्छा फिर आगे वो कहते हैं कि बंदे बैठे हैं बिठाया बंदे उठने नहीं देंदे, कि अगर किसी को बिठा दिया है तो फिर वो उसे उठने नहीं देंगे। सही है, इनकी यही मतलब है। और हमें इंटरप्ट कर दिया हमारे प्रोड्यूसर ने, वो नहीं चाहता कि ये इतनी इंफॉर्मेटिव बातें आप तक पहुंचे। आप हमें बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि हम आपको कौन से गाने एक्सप्लेन करें या कौन से ऐसी बातें हैं जो आपकी समझ में नहीं आ रही। हम दोनों यहाँ बैठे हैं और हम उन चीजों को एड्रेस करेंगे। कौमी तराना नहीं एक्सप्लेन करूंगा मैं, पहले बताऊंगा आप क्या कर रहे हैं, आप भी जाएं फिर।